एक स्मॉल आइलैंड जो लोकेटेड है इंग्लिश चैनल में। मे बी ये आइलैंड अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए माना जाता है, बट इस आइलैंड में भी ना एक बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट का ट्रेडिशन हमें देखने को मिलता है। ओवर द पास्ट डिकेड्स में ना ये आइलैंड को जोड़ा है वर्ल्ड की ग्लोबल क्रिकेटिंग कम्युनिटी के साथ, फ्रॉम इंटर इंडियन सोलर राइवलरी जो एशेज से भी ज्यादा पुराना राइवलरी माना जाता है। सो इन दिस वीडियो हम जानने वाले हैं द क्रिकेटिंग सिनेरियो इन गंजी में। हम जानने वाले इस वीडियो में कि कैसा है क्रिकेट का पॉपुलरिटी इन गंजी में, क्या है गंजी कभी भी वर्ल्ड क्रिकेट में अपने बहुत ही छाप छोड़ सकते हैं, एंड कैसे क्रिकेट उधर की लोकल पॉपुलेशन में एक पार्ट बन पाया, इसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड क्लिप्ड एंड मैथ्यू स्टोक्स पंचेस द एयर, गर्नसी डू विन इट, स्कॉटलैंड नेदरलैंड्स इटली जर्सी एंड नाउ गर्नसी विल ऑल कंपीट इन नेक्स्ट ईयर्स European qualifier, the hosts here, ICC Men's T20 World Cup Sub-Regional Europe Qualifier C, have booked their spot. First of all, every video की तरह future cricket को जानने से पहले ना first आपको history को जानना होगा। पहले मैं Guernsey जो है ना वो आपको मैं clear कर देना चाहता हूँ कि actually Guernsey जो है वो एक country है या फिर एक territory है। Guernsey जो है ना वो actually एक fully independent country नहीं है, this is a British Crown dependency के under आता है। Which means that कि उनका एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी होता है which under the British monarch, but it is not a part of the UK. In year 1866 में हमें first recorded cricket match देखने को मिला था गंजी में। इसके बाद ये टाइनी आइलैंड में ना थोड़ा थोड़ा करके क्रिकेट की एक्टिविटीज हो रहा था। After that, MCC जो है ना वो इस टाइनी आइलैंड कंट्री को विजिट कर रहे थे एवरी ईयर। After that, mainland England के साथ ना कनेक्शन अच्छा होने के कारण इधर भी कुछ क्लब्स ना क्रिकेट क्लब्स फॉर्म होने लगे थे, एंड इसके साथ साथ जो न्यूली क्लब्स थे ना वो भी क्रिकेट को प्रमोट कर रहे थे अमंग द यूथ में। देन द स्पोर्ट बिकम ए फिक्चर ऑफ समर एक्टिविटीज, समर में क्रिकेट बहुत ही खेले जाने लगा था इस छोटा टाइनी आइलैंड में। आफ्टर दैट इन ईयर 1922 में ना गर्नसी अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेलते अगेंस्ट जर्सी के साथ, वो भी अपना फर्स्ट इंटरनेशनल मैच। देन इसके 5 ईयर लेटर ही इन ईयर 1927 में ना ये जो गर्नसी टीम है वो ज्वाइन कर लेते इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ। एंड तब के टाइम में ना जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है इसमें देखो स्कॉटलैंड भी होता था, देन गर्नसी भी होता था, जर्सी भी होता था। एंड दैट टाइम से अंटिल नाउ तक जो क्वांटी होता है ना, क्वांटी में जो 38 कंट्रीज होते हैं जिसमें कंपटीशन होता है ना, 38 कंट्रीज में से गर्नसी का भी एक टीम है। इसके बाद से ना 1950 से लेकर अभी तक भी जो जर्सी एंड गर्नसी के बीच में एक फ्रेंडली राइवलरीज होता है एवरी ईयर ही ना एक मैच एटलीस्ट होता है जर्सी एंड गर्नसी के बीच में, जो इंटर इंडियन सोलर के नाम से माना जाता है, जो एशेज से भी ओल्डेस्ट राइवलरी का दर्जा दिया है। इसके बाद क्रिकेट का एक्टिविटी ऐसा ही चलता है गर्नसी में। देन आता है ईयर 2005 जब उनको ना आईसीसी से एफिलिएट मेंबर का भी स्टेटस मिल जाता है। आफ्टर 3 ईयर ऑफ डेवलपमेंट की बात ना फाइनली 2008 आता है जब उनको एसोसिएट नेशन का दर्जा भी मिल जाता है। आफ्टर एसोसिएट नेशन बनने के बाद ना वो 2009 में वर्ल्ड क्रिकेट लीग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिधर वो डिवीजन 7 में पार्टिसिपेट करते हैं एंड उधर सेकेंड पोजिशन फिनिश करते हैं एंड प्रोमोट हो जाते हैं डिवीजन 6 में। आफ्टर दैट ईयर 2012 में वो डिवीजन 5 में भी प्रमोट हो जाते हैं। देन ईयर 2018 में ना फाइनली वो यूरोप की डिवीजन 2 में सेकेंड पोजिशन फिनिश करते हैं, यूरोप की डिवीजन 2 में प्रमोट हो जाते हैं। एंड इसी ईयर ही ना 2018 में गर्नसी को भी आईसीसी से T20 इंटरनेशनल का स्टेटस भी मिल जाता है, जब उन्होंने एवरी जो एसोसिएट नेशन है इधर उन्होंने T20 का स्टेटस दिया था तो उनको भी T20 का स्टेटस मिल जाता है। एंड आफ्टर दैट इसकी एक ईयर लेटर ही इन ईयर 2019 में ना जर्सी एंड गर्नसी के बीच में फर्स्ट इंटरनेशनल देखने को मिलता है, जिधर अगर इस मैच की बात करूँगा ना टोटल एक नील बैठी मैच था एंड इस मैच को जर्सी ने जीता था बाय द सुपर ओवर से, बहुत ही शानदार मैच हुआ था। आफ्टर गर्नसी का सेपरेट एक क्रिकेट प्लेइंग नेशन बनने के बाद ना अभी के टाइम में करंटली ना इस नेशन में टोटल 30 क्लब्स मौजूद है, एंड इन 30 क्लबों में से ना कुछ क्लब्स में 4 से लेकर ज्यादा टीम्स भी खेलते हैं, प्लेइंग इन द ईदर लोकल लीग क्रिकेट और ऑर्गेनाइजिंग फ्रेंडलीज। नाउ द टाइम 60,000 पॉपुलेशन वाला आइलैंड नेशन में ना टोटल 10 से भी ज्यादा आर्टिफिशियल विकेट्स मौजूद है जो इस कंट्री में क्रिकेट की एक्टिविटी को बूस्ट करके रखा है। ऑल द 15 जूनियर स्कूलों में भी
ये जो क्रिकेट के एक्टिविटी में होता है एंड ऑल्सो पास सेकेंडरी स्कूलों में भी क्रिकेट का बहुत ही खासा एक्टिविटी होता है जो गंजे क्रिकेट बोर्ड ने ऑर्गेनाइज करते हैं, जो क्रिकेट की फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। सो नाउ हम बात करते हैं द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट इन गंजी के बारे में। करेंटली इस टाइनी आइलैंड में ना अभी भी क्रिकेट एक टॉप स्पोर्ट नहीं है, बट ये जो स्पोर्ट्स का जो ग्रोथ है ना बहुत ही ज्यादा हो रहा है एंड स्पेशली जो यंगर जनरेशन में ना इस स्पोर्ट्स के लिए बात तो होता है। एंड इसके साथ साथ जो JCB है ना, गंजी क्रिकेट बोर्ड, वो भी अपने सुपरविजन में कुछ क्लब्स के टूर्नामेंट को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो इसमें से जो कोबू क्रिकेट क्लब है, ऑप्टिमिस्टिक क्रिकेट क्लब है एंड जो वेंडरस क्रिकेट क्लब है ना वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड क्रिकेट का जो एक्टिविटी होता है ना वो अभी के टाइम में भी इस आइलैंड में बहुत ही अच्छा हमें देखने को नजर आता है। अकॉर्डिंग टू JCB, क्रिकेट का जो पार्टिसिपेशन होता है ना एमंग द यूथ में वो ओवर द पीरियड में 20% इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2010 या फिर 2020 से कंपेयर करोगे तो जो यंग पॉपुलेशन है ना इसमें थोड़ा बहुत ग्रोथ तो आया है। एंड इसके पीछे रीजन है आपको बताया स्कूल प्रोग्राम्स एंड यूथ डेवलपमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। नाउ द टाइम जो एनुअल गंजी का जो यूथ क्रिकेट लीग होता है ना इस पे 200 से ज्यादा यंग प्लेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ साथ जो इंटर इनसुलर राइवलरी है जो 1950s के बाद ही स्टार्ट हो गया था ना, अभी के टाइम में देखो जर्सी लीड कर रहा है, जर्सी 42 जीता है एंड गंजी 36 जीता है, बट इस राइवलरी का जो वो है ना शोर बहुत ही वो न्यूज में एटलीस्ट आता है एंड लोगों के बीच में भी इस राइवलरी का एटलीस्ट एक इंटरेस्ट तो नजर आता है। क्रिकेट कल्चर इन गंजी की बात करें ना, क्रिकेट इन गंजी इज मोर देन जस्ट अ स्पोर्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द आइलैंड कल्चर। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वेन्यू जो है गंजी में वो है द किंग जॉर्ज 5 क्रिकेट फील्ड, जो लोकेटेड है द हार्ट ऑफ गंजी में। ये जो ग्राउंड है ना वो बहुत सारी गंजी की जो मैचेस है वो उसको होस्ट किया है, इसके साथ साथ इंटर इनसुलर मैचेस को भी होस्ट किया है। लोग जो हो इधर की वो स्पेशली जो एंजॉयमेंट के लिए, पिकनिक्स के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए ना ज्यादा गैदर होता है। तो ये जो फील्ड है ना वो क्रिकेट कम्युनिटी के लिए इस जगह पर एक लाइफलाइन बनकर आया है। गंजी में क्रिकेट सीजन स्टार्ट होता है अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में, तब के टाइम में ना बहुत सारी कम्युनिटीज गैदर होते हैं इस स्टेडियम पे। ऑल्सो जो गंजी क्रिकेट बोर्ड है वो भी एक डिनर शो भी ऑर्गेनाइज करते हैं एवरी ईयर ही। इसके साथ साथ जो गंजी है ना वो एक क्रिकेट के साथ साथ एक क्लब मेंबरशिप का भी ऑफर देते हैं एवरी सिटीजन को, जिधर जो सिटीजन है ना वो क्लब मेंबर बनने के साथ साथ क्रिकेट मैचेस के साथ साथ ना डिनर का भी मजा ले सकते हैं। जो क्रिकेट में ना बहुत एक ओल्ड ट्रेडिशन है जो हमें गंजी क्रिकेट में देखने को अभी पी टाइम में भी मिलता है। इसके साथ साथ जो वुमेन्स क्रिकेट है ना इसका भी जो ग्रो है वो स्टेडीली हो रहा है, जो 15% का ग्रोथ हमें रिसेंट टाइम में फीमेल क्रिकेट में देखने को मिलता है JCB में। देन नाउ हम बात करते हैं द फ्यूचर क्रिकेट ऑफ गंजी के बारे में। देखो जो गंजी क्रिकेट का फ्यूचर है ना वो मुझसे ज्यादा गंजी क्रिकेट के प्लेयर से बता पाएंगे, तो हम अभी बेन फर्बिश से जानने वाले हैं कि क्या है गंजी क्रिकेट का। See, I think for us it's trying to be you know, our best practice would be to try and follow an English county structure and have sort of like the same pathway as an English county. It's no secret we are a bit smaller than English counties, so it's trying to make sure that our structures align with theirs, and we try and compete at county level. So there's no reason why if we don't sink the amount of quality coaching and resources into players that we can't achieve that. And it might be that will take sort of 4 or 5 years. So with that sort of like number one aim across the juniors. For the seniors, it's trying to get as high as we can and compete at the highest level as possible. And that's across both men's and women's T20s and 40 or 50 over cricket. So yeah, for us, it's really a mixed structure there. We're just trying to make sure that, you know, we have ambitions to play at the highest level possible. So guys, I highly recommend that you पॉडकास्ट को ना फुल्ली सुनो। तो व्हाट माय स्टैंड, क्या है गंजी क्रिकेट का फ्यूचर। जैसा कि बैन ने बोला था, जो इंग्लैंड की जो कंट्री है ना वो बहुत ही मदद कर रहा है गंजी क्रिकेट को, बट इसके साथ साथ क्या मुझे होप नजर आता है। इन ईयर 2021 में ना गंजी क्रिकेट ने लॉन्च किया था गंजी क्रिकेट एकेडमीज को, जिधर वो 7 से लेकर 18 ईयर के बच्चों के बीच में ना जो डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह होता है वो लॉन्च करने वाले हैं, कोचिंग सिस्टम वो लॉन्च करने वाले, जिससे आने वाले टाइम में गंजी क्रिकेट का बहुत ही ब्राइट अभी फ्यूचर नजर में आता है। बाय द 2025 द JCB एम्स टू इंक्रीज द यूथ पार्टिसिपेशन बाय द 30%, इंक्रीजिंग मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द स्पोर्ट इन दिस आइलैंड। नाउ द रिसेंट टाइम्स में गंजी क्रिकेट टीम ने बहुत ही एक अच्छा अचीवमेंट उन्होंने किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री, कि वो जो यूरोप की जो क्वालिफायर्स होता है T20 वर्ल्ड कप का, इसका रीजनल फाइनल्स में पहुंच चुके हैं,
जो बहुत एक बड़ी बात है। एक ऐसा कंट्री जो कंट्री ने अभी की टाइम में टोटल इंटरनेशनल में ना ओनली 39 ही मैचेस ही खेला है। तो देखो सिंपल सा बात है, जितना ज्यादा ये कंट्री ऊपर आएंगे बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे ना, इस कंट्री में टूरिज्म भी इतना ज्यादा बूस्ट होगा, क्रिकेट की टूरिज्म ज्यादा आएंगी, क्रिकेट के ज्यादा इवेंट्स होंगे, देन इस कंट्री का जो क्रिकेट बोर्ड है इसके पास भी पैसा जाएगा, स्पॉन्सरशिप जाएगा, देन ये कंट्री ना डेफिनेटली ग्रो कर सकता है। अगर मानो फ्यूचर में ये कंट्री नेदरलैंड्स या फिर स्कॉटलैंड जैसे टीम बन सकता है ना, एंड जितना भी उनका पॉपुलेशन हो इतना स्मॉल पॉपुलेशन के साथ भी नई कंट्री फ्यूचर में डेफिनेटली एक बहुत कुछ कर सकता है। डेफिनेटली इस कंट्री में ये टोटली पोटेंशियल रखता है, जैसा मैंने जर्सी की वीडियो में कहा था। ऑल्दो इस कंट्री में भी हमें 100% ही नेटिव प्लेस देखने को मिलता है, एंड इस कंट्री में तो हमें टोटल 2 ग्राउंड्स भी देखने को मिलता है जो बहुत ही खूबसूरत है। तो मुझे ना जो गन्स क्रिकेट का जो फ्यूचर है फ्यूचर में बहुत ही अच्छा नज़र आता है। अभी होप से हम कर सकते हैं कि फ्यूचर में एक यूरोप कप क्रिकेट पे देखने को मिल जाए, तब अच्छा होगा। तो गाइस आप क्या सोचते हो गन्स क्रिकेट के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट भी लिखो एंड अपना ओपिनियन डेफिनेटली देना। तो मिलते हैं फ्यूचर के एक और वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, बाय।